एक रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल में कई जानवर रहा करते थे। उस जंगल के बारे में किसी को भी नहीं पता था। एक दिन उस जंगल में एक बड़ा शैतान प्रकट होता है। वो इधर उधर देखकर आंखें भरता है। आखिर वो दो खरगोशों को पकड़कर खा जाता है। तभी वहां पे एक बड़ा नाग निकलता है। उसका पूरा शरीर सोने का बना हुआ था। वो नाग बोला, दुष्ट शैतान, तू हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है, तुझे इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और नाग अपने मुंह से शक्ति निकालता है, जिससे उस शैतान के पास विस्फोट होता है और वो शैतान खत्म हो जाता है। अब उस विस्फोट के कारण वो पूरी दुनिया सुनहरी बन चुकी थी। पूरी दुनिया में सोना ही सोना था। जानवर भी सब सोने के बन गए थे। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव था। उस गांव में राघव नाम का एक आदमी रहता था। एक बार उसका एक दोस्त उसके पास आता है और बोला, राघव, मैंने देखा जंगल में कुछ धमाका हुआ, चल हमें चलकर देखना चाहिए। तो राघव बोला, नहीं रे मुन्ना, ऐसे ही हुआ होगा। तो मुन्ना बोला, अरे राघव, मैंने देखा वहां पे बिल्कुल सोने जैसी रोशनी हुई थी। तो राघव, अच्छा तब तो देखना ही चाहिए। दोनों जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचने पर उन्हें वहां कुछ भी अजीब सा दिखाई नहीं देता। तो राघव बोला, यहां तो कुछ भी नहीं है। तभी मुन्ना की नजर एक दरवाजे पे पड़ती है। दरवाजा पेड़ में लगा हुआ था और वो एक जादुई दरवाजा था। मुन्ना बोला, वो देखो दरवाजा, वहां चलकर देखते हैं। दोनों दरवाजे की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंचकर राघव बोला, मुन्ना मुझे बहुत डर लग रहा है, चल हम वापस चलते हैं। मुन्ना बोला, नहीं रे, जब यहां तक आ ही गए हैं तो अंदर चल के भी देख लेते हैं। दोनों दरवाजे को खोलते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। फिर वो दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो दोनों उस गोल्डन दुनिया में पहुंच चुके थे। वहां चारों तरफ सोना ही सोना था। सोने के बड़े बड़े पहाड़ और जमीन भी सोने की ही बनी हुई थी। वो इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने एक मुर्गी दिखाई देती है। मुर्गी पूरी सोने की बनी हुई थी। राघव, यहाँ तो बहुत सारा सोना है, चल हम यहाँ से कुछ सोना लेकर चलते हैं। तो राघव बोला, ठीक है चलो, इससे तो हम अमीर हो जाएंगे। दोनों सोने का एक एक बॉक्स उठा लेते हैं और उसे लेकर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक शेर दिखाई देता है। वो शेर पूरा सोने का बना हुआ था। उसे देखकर दोनों थोड़ा डर जाते हैं। फिर वो दबे पाव वहां से निकलते हैं। तब तक वहां पे एक सुनहरी चुड़ैल प्रकट होती है। वो चुड़ैल सोने की बनी हुई थी। वो अपने पंख खोलकर हवा में उड़ने लगती है और अपनी शक्तियों से वहां के जानवरों पे हमला कर देती है। जंगल में विस्फोट होने लगता है और उसमें कई जानवर मर जाते हैं। शेर को ये सब देखकर गुस्सा आता है और वो छलांग मारकर चुड़ैल पे अटैक करता है। लेकिन चुड़ैल तब तक अपनी शक्ति से शेर पे हमला करती है और शेर बेचारा वहीं पे गिर जाता है। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है। राघव और मुन्ना ये सब देख रहे थे। मुन्ना बोला, राघव चल हमें उस शेर की मदद करनी चाहिए। तो राघव बोला, ठीक है चल देखते हैं। दोनों शेर की तरफ चल देते हैं। तब तक शेर उठकर खड़ा हो जाता है। शेर उन्हें देखकर बोला, कौन हो तुम लोग? तो मुन्ना उसे पूरी बात बताता है और उसे बताता है कि वो उसकी मदद करना चाहते हैं। तो शेर बोला, अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें नागलोक जाना होगा और वहां से नागराज को बुलाकर यहाँ लाना होगा। सिर्फ वही इस चुड़ैल को मार सकते हैं। मुन्ना बोला, ठीक है हम लोग नागलोक जाएंगे, आप हमें वहां जाने का रास्ता बताइए।
तो शेर बोला, तुम जब यहाँ से थोड़ी दूर जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक सोने का नाग मिलेगा, वही तुम्हें नागलोक पहुँचा देगा। राघव और मुन्ना वहाँ से चल देते हैं। रास्ते में चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और राघव और मुन्ना से कहती है, तुम दोनों यहाँ से बचकर जाना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी। और चुड़ैल उन दोनों पे हमला करने वाली ही होती है, तभी पीछे से एक शेर आ जाता है और वो चुड़ैल पे हमला कर देता है। चुड़ैल वहीं पे गिर जाती है। मुन्ना और राघव वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाते हैं। तब तक चुड़ैल उठकर खड़ी होती है और वो अपनी शक्ति से शेर पे हमला कर देती है। शेर बेचारा घायल होके वहीं पे गिर जाता है। उधर मुन्ना और राघव नाग के पास पहुँच जाते हैं। दोनों नाग को पूरी बात बताते हैं कि वो नाग लोग जाना चाहते हैं। नाग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें नाग लोग भेजता हूँ। और वो अपनी शक्ति से उन दोनों को वहाँ से गायब कर देता है और वो दोनों नागलोक में पहुँच जाते हैं। नागलोक भी डरावना था। वो लोग आगे जाते हैं तो आगे उन्हें नागराज दिखाई देता है। वो नागराज के पास जाते हैं। और उसे पूरी बात बताते हैं। नागराज सारी बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो वापस उसी जंगल में आते हैं। नागराज ने देखा चुड़ैल वहीं से उड़ती हुई जा रही थी। नागराज को देखकर चुड़ैल नागराज के पास आती है। नागराज उस चुड़ैल से बोला, अगर तू इस जंगल से नहीं गई तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर जिंदा रहना चाहती है तो चुपचाप यहाँ से चली जा। चुड़ैल नागराज की बात पे ध्यान नहीं देती और नागराज पे हमला कर देती है। नागराज गुस्से में चुड़ैल पे अटैक करते हैं और वो चुड़ैल वहीं पे घायल होके गिर जाती है। वहाँ पे एक चोर का विस्फोट होता है और वो चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। फिर नागराज अपनी शक्ति से शेर को भी ठीक कर देते हैं। शेर भी उठकर खड़ा हो जाता है। नागराज मुन्ना और राघव को ढेर सारा सोना देकर उसके गांव भेज देते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारी और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो दिए हुए थंबनेल पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।